मेरी सिस्टर का कल बर्थडे है गाइस, तो रात से हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। उनको सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं, जो जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं हम सब लोगों ने मिलके जो हम लोग कर सकते थे वो हम लोगों ने किया, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। हेलो गाइस, मैं माहिरा हसन आप सभी को बहुत दिल प्यार और दुआओं के साथ अस्सलामुअलैकुम, हेलो, नमस्ते, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है, मेरी दुआ है आप सब लोग बहुत ठीक, खुश और खैरियत के साथ होंगे। तो ये दो फ्लेवर के मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करे और मंगवाया रात के 12 बजे के बाद। एक तो है वेज पिज़्ज़ा और एक है पनीर टिक्का पिज़्ज़ा, पनीर तंदूरी आई थिंक। तो बहुत ही गर्म, बहुत डिलिशियस, बहुत यमी था और बहुत मज़ेदार सा था। और हम लोगों ने इसको अच्छे से सरप्राइज़ दिया उनको। और होता है ना, कभी कभी जब बर्थडे होता है तो उसमें जो जिसकी पसंद की चीज़ें हों उसको वो मिलें तो वो बहुत खुश हो जाता है इंसान। तो ऐसे ही हम लोगों के भी घर में है। और मेरी मदर हमेशा हम सब लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट बहुत अच्छे से करती हैं। हम लोग मना भी करते हैं तब भी मम्मी ज़रूर करती हैं। तो बहुत अच्छा लगा हम सभी को। बर्थडे एक का होता है पर खुश हम सब होते हैं बच्चों की तरह। तो हम लोगों के घर में यही है कि घर के अपने आपस में हम लोग ये छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे पल जो हैं सेलिब्रेट करते हैं, जीने की कोशिश करते हैं। और हर दिन को ईजी और अच्छा बनाने का हम लोगों का ये रहता है कि आज का दिन अल्लाह ने हम सबको दिखाया तो ऊपर वाले का शुक्र है, उसका एहसान है। और बस किचन जो है मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया और मेरी सिस्टर ने मिलके, क्योंकि हम लोगों को दूसरा जो दिन था तो सब सेट करके हम लोगों को मार्केट जाना था और मार्केट से काफ़ी चीज़ें लेकर आनी थी सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि ये चीज़ मैंने करी है या ये चीज़ सिर्फ मैं अकेले कर रही हूँ, नहीं, मेरे साथ मेरी सिस्टर ने हेल्प कराई तो मैं उनका भी नाम लेना ज़रूरी समझती हूँ। क्योंकि कोई भी इंसान जब ये सोचता है हर चीज़ में मैं अच्छी नहीं लगती, घर सबसे मिलकर ही बनता है और घर की खुशियां सबके साथ ही मिलकर सेलिब्रेट की जाए तो वही खुशी कहलाती है, ये मेरा मानना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यमी सा बहुत डिलीशियस केक चॉकलेट ट्रूफल का मम्मी ने ऑर्डर कराया और हम लोगों ने मंगाया। बाहर से ये दो तरीके के पेटीज ख़रीदे और दो तरीके के मोमोज लिए, वेज और पनीर, और एक छोटी सी बास्केट में अपनी सिस्टर के लिए हम लोगों ने उनकी पसंद के जो जो वो स्नैक्स खाती हैं तो वो सब हम लोगों ने इसके अंदर फिल करके रखा। तो मेरी सिस्टर को ये चीज़ें बहुत पसंद हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर हैं और मैं हूँ, टचवुड, हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और हम लोग एक तरीके से बिल्कुल बच्चों की तरह खेलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे की फ्रेंड की तरह रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं। तो मैं अपनी छोटी सिस्टर को चिंकू कहती हूँ प्यार से। तो मतलब मुझे घर होता है ना, घर में सब प्यारे होते हैं लेकिन उनमें से एक ना एक कुछ ज़्यादा ही दिल के करीब होता है। तो मेरे दिल के करीब मेरी सबसे छोटी सिस्टर है। तो ये मम्मी ने पुलाव वेज बनाया था, जो मम्मी ने कहा आप लोग बाहर से ये चीज़ें खरीद के ले आओ, घर में खाना रात का मैं बनाऊंगी। तो मैं पास से दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो इतना डिलीशियस था गाइस, माँ के हाथ की तो हर चीज़ बनी हुई कुछ अलग ही हो जाती है, एक ऐसा हो जाता है जैसे कि सुकून सा मिलता है खा के। सबकी मम्मियों के हाथ के सब बच्चों को खाने पसंद होते हैं, उसी तरह हम लोगों को भी जब मम्मी खाना बनाती हैं तो हम लोगों को पता नहीं एक ऐसा लगता है सुकून सा मिल गया खा के। तो ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग और आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग भी मेरी सिस्टर के लिए, मम्मी के लिए, हम लोगों के लिए दुआएँ करें और दुआ दें, आप लोगों की दुआएँ चाहिए। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल माहिरा की सिंपल लाइफ, प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपने जितनी वीडियो पर इतना प्यार दिया, इतने कमेंट्स करे अच्छे अच्छे, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो गाइज़ मैं आप लोगों के लिए यही कहूँगी कि जो चीज़ आप
आपकी लाइफ में आपको चैलेंज करती है वही आपको ज़िंदगी में चेंज करती है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सब लोगों को कौन सी चीज़ ने चैलेंज किया जिसने आपकी ज़िंदगी को आपको चेंज किया। लव यू ऑल, बाय गाइस।